मोदी सरकार की ओर से कश्मीर से 370 हटाने, नोटबंदी, जीएसटी जैसे निर्णय लिए गए, मगर इस निर्णय से देश के कुछ नागरिक खुश है तो कोई नाराज है। इन तीनों निर्णय की जानकारी लोगों तक पहुंचे, इस उद्देश्य से शहर के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विद्यार्थी संगठन की ओर से गुरुवार को धर्मपेट स्थित वसंतराव नाई सभागृह वनामती पूर्व आईएएस अधिकारी कनन गोपीनाथन इनका संविधान जागर कार्यक्रम आयोजन किया गया था। इस मौके पर गोपीनाथन इन्होंने उपस्थित छात्रों को संबोधित किया। क्योंकि गवर्नमेंट डजंट अंडरस्टैंड ऑल दिस इज आल्सो टू थ्री ऑफ इश्यूज, की इश्यूज, हाउ दिस गवर्नमेंट इज बिहेविंग, जिनकी जो थॉट प्रोसेस है कि हम एक मैक्रो इनोवेशन करेंगे जो सरकार की तरफ से एकदम डिक्टेटोरियल जो एस्पेक्ट जो आता है, बेवकूफी और तानाशाही की जो कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं, जो तानाशाही तरीके से सोचते हैं कि हम पूरा देश पे ये लागू करेंगे एक मैक्रो इनोवेशन, पर जनता इतना स्मार्ट है, वो एक एक बिलियन, एक बिलियन जनता है तो हर एक जनता जो है उसका काउंटर सोचता है। लोगों ने तो टिकट बना लिया, फिर उसके बाद कैंसिल कर दिया ताकि अकाउंट में पैसा आ जाए, बोला है कि ऑप्शन दे दिया कि कैश नहीं चाहिए, अकाउंट में पैसा डाल दूं। इस तरीके से लोगों ने काम किया, इसलिए 100% पैसा वापस आ गया, तो ब्लैक मनी तो खत्म हो। दूसरा उन्होंने बोला था डिजिटल कैश, डिजिटल है आप लोग सब हो गया, कितने सारे गांव तो हमने बोल दिया 100% डिजिटल हो गया करके। उस टाइम का ना 6 महीने का न्यूज़पेपर निकाल के देखना, हर दिन जो है आपको लगेगा एक गांव डिजिटल, फुल्ली डिजिटल, अभी यहां पे कोई कैश नहीं है, अभी एक बार जाके देख लीजिए वो सारे गांव। सोचने की बात है ना। और अगर आप कैश इन सर्कुलेशन, कितना कैश था जीडीपी में वो देखेंगे By percentage also, absolute value also, जो उसका ट्रेंड है उससे ऊपर चले गए हम अभी वापस। तो जो आप क्या मेजर इसी बात पे देखेंगे ना कि टोटल कैश विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी, वो डाउनवर्ड ट्रेंड था हमारा ऑलरेडी, उसके बाद पैसा सारा निकाल दिया नीचे चले गया और उसके बाद उसकी जो वेंजेंस के साथ वापस चले गए। तो डिजिटल इकोनॉमी जो कंसेप्ट था, मैं 4 बार मिट चुका है, हर बार हमने मिठाई खाए, हम मोटा हो गए, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। पहले बार मिट गया था डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम पे, उसके बाद बालाकोट के टाइम पे, उसके बाद अभी सर ने कहा 370 के टाइम पे, हर टाइम जो है आतंकवाद हम मिटाते जा रहे हैं, अभी आगे भी मिटाते रहेंगे, घुसपैठियों को निकालना भी एक रीजन होगा अभी आतंकवाद को मिटाने का है, हर एक चीज पे बोलते हैं ये तो स्टॉक रीजन है, उसमें से निकालते हैं, 4 निकालो यार उसमें से रीजन डालो। फोर्थ बोला था सबसे फनी, आरबीआई है ना यहाँ पे बड़ा, मैंने बिल्डिंग देख के आया, फोर्थ रीजन सबसे मस्त था, बोला कि फेक करेंसी के प्रॉब्लम को हम सॉल्व करना चाहते हैं, फेक करेंसी का प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, जो नकली नोट का जो इश्यू है। तीन हफ्ते पहले मेरे ख्याल से आरबीआई ने एक स्टेटमेंट दिया, बोला कि वो आगे इस साल 2000 के नोट नहीं छापेंगे। क्या रीजन दिया था? नकली नोट, सिर्फ नकली नोट नहीं बोला,